तो आगे लग रहा है बड़ा ज्यादा जाम। पीछे से आज जाम लग रहा है बहुत ज्यादा शिमला में, तो हम हमारे झगड़े इतने ज्यादा क्यों। अब हम लड़ाई पे आ गए और आज हम लोगों ने देखी फरारी। हरियाणा, दिल्ली, ये वाला नंबर देखो महाराष्ट्र का भी नंबर है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और सुबह के ना 11 बजने वाले हैं। इधर आज का कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चला है, तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं आज आर्यन को लेने। आज सैटरडे है ना, कल उसको छुट्टी होती है, कल संडे है, तो वो वहाँ पर बोर हो जाता है, तो उन्होंने कहा था उसे अपने यहाँ ले आना। और आर्यन को ना यहाँ शिमला में अभी कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ से क्या लेना है और कौन सी बस लेनी है, बसेस चेंज करनी है, तो मैं उसको लेने भी जाऊँगी अभी। अभी तो उसकी क्लासेस चल रही होगी, पर फिलहाल के लिए आज का मौसम देख लो। तो आज है बिल्कुल साफ मौसम, अब तो चलते हैं। और फिलहाल अभी समर तक जा रही हूँ और उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या बनता है आज दिन। और इस बार मैं सोच रही थी कि आपको ब्रांच की फ्लावरिंग अच्छे से दिखाऊंगी, पर इस बार हुई नहीं अच्छे से, मतलब कहीं कहीं फूल आए हैं, ज़्यादा आए ही नहीं, क्योंकि इस बार बारिश लगी रही ठंड की वजह से ब्रांच की फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हुई है। नहीं तो मैं आपको दिखाती ब्रांच कितने अच्छे, मतलब रेड रेड से हो जाता था जंगल थोड़ा, इस बार हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। ये फ्लावरिंग के लिए शायद थोड़ी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना चाहिए, ज़्यादा ठंड में फ्लावरिंग नहीं होती है, तो टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं तो फ्लावरिंग भी नहीं हुई। और आज ना शायद छुट्टी है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है, कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं दिख रहे हैं। और हाँ, दो तीन दिन में मैं घर भी निकल रही हूँ, तो मुझे था कि कुछ सामान लेना है, अगर वो भी मिल जाता तो अच्छी बात थी। बुक्स वगैरह लेनी थी कुछ, एक देखते हैं वो तो। धूप अच्छी आ गई अब शिमला में, अब जब मैं वापस जा रही हूँ तब जाके धूप आ रही है, और जब मैं यहाँ थी तब हमेशा बारिश लगी थी। दिस इज़ नॉट फेयर गॉड। तो अभी रीता भी आ गई है और रीता के साथ जाएंगे हम आगे। वो चल पड़ी बस, जल्दी पूछ बस। ये रीता मैडम मिल गई हमें, और इसकी छोटी सी पोनी देखो, इसको बताना यार इसके बाल कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, क्यूट से। पंथाघाटी जाना था, पंथाघाटी की बस छोड़ी हूँ मैं तेरे लिए, 100 रुपए थैंक यू। तेरे घर वाले खुश है तेरे बालों के लिए? भाभी के हाँ ना, भाभी आपके बाल भी डोनेट करते हैं ना, इसके आज भैया भाभी आ रहे तो ये बहुत खुश है। तो अभी एक बस तो छोड़ दी मैंने इसके चक्कर में, इसने बोला इसने आना याद है तब। मेरे चक्कर में तेरा सामान लेने में लेट हुए बहन ना। हाँ तो तू कैसे पकड़ती उसको? भैया से पकड़ती यहाँ साइड में जाके बीच रोड में रुक जाना, मैंने ऐसे रोको बस रोको हमारे लिए, अब दूसरी बस का इंतजार करती हूँ। वैसे तो भी आर्यन की भी क्लासेस है 2:30 बजे तक, मुझे लगा तू आज नहीं मिलेगी, ये ना मेरे बगैर रह नहीं पाती। मैंने तो आई जाती है। चलो मंदिर में नमस्ते कर लेते हैं। ओह गर्ल फ्रॉम नॉर्थ ने आज बाल स्ट्रेट किए हैं लड़के ने थोड़े। ये है माता का मंदिर, यहाँ हम डेली आते हैं माथा टेकने। बस आई है? नहीं टेक। चल ठीक है, ये नहीं आ रही मैं इससे नाराज, अब लड़ाई हमारी झगड़े इतने ज्यादा क्यों। अब हम लड़ाई पे आ गए हैं, मेरे को घर ही जाना पड़ेगा, तब 32 को मेरी याद। वो बस लगी है, मैं चल जाती हूँ, बाय बाय बाय। तो बस में बैठ जाते हैं चुपचाप से, क्योंकि इसको नहीं आना है अभी, इसके भैया भाभी कॉल नहीं उठा रही, अदरवाइज ये भी मेरे साथ ही आती। चलो ये तो आगे लग रहा है बड़ा ज़्यादा जाम, देखो गाड़ियाँ यहाँ से जा ही नहीं रहे, इनको क्या दिक्कत हो रही है पता नहीं। तो मैं यहाँ पहुँची हूँ, अब मुझे आर्यन को यहाँ से लेना है 2:30 बजे, टाइम अभी हुआ नहीं है, 5-1 मिनट और रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कहीं बैठ के वेट कर लूँ उसका। तो मैं ना थोड़ा टाइम से पहले ही पहुँच गई हूँ, आर्यन को भी छुट्टी नहीं हुई है, और तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ अभी शेक पीने, उतने में शेक पीऊँगी जितने में आर्यन आएगा। और यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, अभी शेक बन के तैयार आएगा तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा ओरियो शेक, और मैं ये पीऊँगी जब तक जितने में आर्यन आता है। सो हेयर इज आर्यन, गॉड ब्लेस यू। हाय शेल्बी, शेल्बी शेल्बी कंपनी लिमिटेड, फिर मर्चेंडाइज। सो वेयर आर वी हेडिंग? अच्छे से लगा इसको दूसरी साइड से, ये थोड़ा इमरजेंसी वाला, इमरजेंसी वाला। तो यार पर एक तो जाम लग रहा है,
हाँ पर एक जगह पता नहीं क्या काम चला है ना, जाम लग रहा है उधर, तो पीछे हो गया ना काफी जाम लग रहा है, क्योंकि तो हम लोग न्यू बस स्टैंड होके जाएंगे क्योंकि ऊपर से जाम है काफी, आज काफी ज्यादा जाम है ऊपर से। तो शिमला में आज चेकिंग हो रही है टूरिस्टों की और गाड़ियां रोक रहे हैं पता नहीं क्यों, और बड़ी मुश्किल से हम लोग क्रॉसिंग पहुंचे हैं। क्यों रोक रहे हैं गाड़ियां, गाड़ियां तो यहाँ पता नहीं क्यों रोक रहे हैं ना, और ये पता नहीं कहाँ जा रही है वाली बस, समरिल की बस का इंतज़ार है। तो हम लोग कर रहे हैं समरिल की बस का वेट, आती होगी थोड़ी देर में। तो तीन चार बसें बदली, पीछे से आज जाम लग रहा है बहुत ज़्यादा शिमला में, तो हम नीचे से आए आज ISB, लेकिन जाम काफ़ी आगे तभी यहाँ से थोड़े थोड़े करके बसेज भेज रहे हैं यहाँ से, या गाड़ियाँ थोड़े थोड़े करके भेज रही हैं यहाँ से। तो जाम के चलते चलते ना गाड़ियाँ यहीं पर रोक रहे हैं पहले से ही, ताकि आगे को ना बढ़े। और मैक्सिमम एक तो आज वहाँ पे काम चला है टॉल एंड रोल बस स्टैंड के बीच, और जो गाड़ियाँ आ रही है वो बाहर से आ रही है, देखो टूरिस्ट नंबर हरियाणा पंजाब ऐसे ऐसे करके आ रही हैं, तो जाम लग रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब देखो इतनी सी गाड़ियाँ यहाँ रोक के रखी है क्योंकि परे को जाम काफ़ी है। हाँ तभी तो पहले ही नहीं रोक रहे, यहीं से नहीं जाने दे रहे गाड़ियाँ, आज पूरा शिमला जाम हो गया है और हमें समरिल की बस नहीं मिल रही क्रॉसिंग से भी, और बसेज वहाँ से आ नहीं रही इतनी ज़्यादा, न्यू बस स्टैंड की तो आ गई यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा जाम लग रखा है, मुश्किल है ऐसे ऐसे तो ना पहुँचेंगे आज हम घर। पैदल दूर है यार बेटा यहाँ से, पैदल 4 किलोमीटर होगा यहाँ से जाए, एक बार तो आए होंगे, आई बस आई बस समर की है, भगवान पुनियार ये नहीं है, ये कहीं और ही है, दूसरी आएगी उसमें जाएंगे, और बसेस में आज इतना क्राउड है ना यार, दिल्ली का नंबर तीन नंबर देखते जाएंगे, देखियो ना बाहर से कितने लोग आ रहे हैं, हरियाणा दिल्ली भाई सब आओ तुम शिमला घूमने, सब यहाँ पे चक्का जाम कर दो भाई, बाहर के लोग काफ़ी आ रहे हैं ना वीकेंड पे, तो भाई दिल्ली हरियाणा ऐसे ही नंबर, पंजाब चंडीगढ़ ऐसे ही नंबर दिख रहे हैं, दिक्कत हो जाती है ना तो ऐसे हो जाता है। तो एक बस और आई ना, ये भी नहीं है समरिल की, ये भी टू की बस आई है, समरिल की बस पता नहीं कभी आएगी। आज ना शिमला में बड़ा ज़्यादा जाम लग गया है ना, पंजाब का नंबर ये हिमाचल गया, हिमाचल ओए महाराष्ट्र का नंबर है, ये वाला नंबर देखो महाराष्ट्र का भी नंबर है, लोग महाराष्ट्र से भी गाड़ियाँ लेके आए हैं, पंजाब का नंबर ये भी पंजाब का नंबर, इसके पीछे भी पंजाब का नंबर, देखो पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी का नंबर भी, इतना जाम लगा है, देख रहे हो जाम, बाहर के लोग यहाँ के कैसे जाम लगाते हैं भाई, सब अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं करते। और जिन जिन लोगों को भी वीकेंड पे आना होता है ना यार, एक बस करके आया करो सारे, उसमें अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आ जाते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है यार, लोकल्स को भी इतना जाम लग जाता है, आने जाने की दिक्कत होती है ना आर्यन, वैसे किया करो बस टू बस आया करो सारे, जितनी क्राउड इसमें है ना 50 गाड़ियों में 3 बस में सारे आदमी हो जाएंगे उसमें, यही समरी की बस चल पड़ते। तो वापस चल पड़े हम रूम के लिए, शिमला में जाम है यार, मतलब चक्का जाम हो गया है पूरे शिमला का, और आर्यन भी आए अभी रूम जाके, बहुत जल्दी जल्दी काम करने हैं, आर्यन ने कपड़े लाए धोने के लिए, वो धो के देने हैं इसको, तो अभी रूम जाके पहले इसके कपड़े धोऊंगी। यस ये किसी काम का नहीं है लड़का हमारा, भले ही ये प्लस टू पास हो गया है लेकिन मेरी एज के कोई काम के नहीं है, तेरी एज के कोई काम के नहीं, तू तो सीख ले, और यहाँ का ये हमारा छोटा सा बच्चा है जिसको भी कपड़े धोने नहीं आते हैं, तो ये अपनी मासी के पास लेके आए कपड़े, सिखाने के लिए क्यों नहीं है, कपड़े कपड़े धोएंगे मस्त। और आज हम लोगों ने देखी फरारी, थी ना जन फरारी, बिल्कुल वही आज हमने शिमला में फरारी देखी, मैं तो ना देखी थी कभी पहले फरारी, वो भी यार कैप्चर करना भूल गई उस टाइम क्योंकि हम उसको देखने में बिजी हो गए, हम पहले डिसाइड कर रहे हैं तो है कुछ, तो काफी पहले दिख गई थी वो, तो तूने बताया नहीं ना उस टाइम, मेरे को लगा मास्क पे दिख गई हुई, इसने देख ली थी पहले, इसने पहले देख ली थी, फिर मैं देख रही थी, फिर मैं कैप्चर करना ही भूल गई, है ना ब्राउन कलर की थी, ब्राउनिश था कलर, अरे यार तेरे को चश्मा लगा है
नंबर फिर से बढ़ गया है शिमला में होती नहीं ऐसी गाड़ी वैसे, और वो तो हम ऐसे ध्यान से देख रहे है तो है, जितने में कैप्चर करना था उतने में वो चली गई। मस्त आप लोगों को दिखाने का मत तो दिख गया आपको है ना। चलो आपने आप तो देखते रहते होंगे, हमने पहली बार देखी है वैसे तो टीवी में तो हमने भी देखी है जय भोलेनाथ, लेकिन लाइव आज हमने पहली बार देखी है। तो अब चलते हैं रूम पे मिलते हैं, आज मैं ट्राईपॉड वगैरह कुछ लेके नहीं, हाथ दर्द करने लग गया, फिलहाल अभी रूम जाते हैं फिर अपना काम कर लेते हैं। और यही तो है वो रॉ व्लॉग जिसकी आप बात कर रहे थे। तो मेरे कपड़े धो दिए आर्यन के, थोड़े थोड़े से अपने भी धो दिए साथ में, आई होप कल के लिए सूख जाएं। तो इतने से कपड़े थे, ज्यादा कपड़े नहीं थे, कल के लिए सूख जाने। ज्यादा कष्ट नहीं दिया मैंने मासी को, ये बड़े तो हो गए पर इनको अपने काम करने नहीं आते आजकल के बच्चों को, कपड़े धोना सीख ले। मैं हमेशा नहीं होनी यहाँ पे तेरे पास कपड़े धोने। तो कपड़े भी धो दिए हैं, ज़्यादा नहीं थे, इतने से ही कपड़े हैं, आर्यन के कपड़े ज़्यादा थे, एक दो मेरे भी हैं। और अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अभी डिनर की तैयारी करेंगे थोड़ी बहुत। पर लेकिन यहाँ से देख कितना अच्छा व्यू है, इवनिंग में भी अच्छा है और मॉर्निंग में भी अच्छा है। सो ये चला है वो कंस्ट्रक्शन का काम जो मैं सुबह बोल रही थी, यहाँ पर लेंटर डल रहा है। चलते तो रूम की तरफ चलते हैं, और कल के लिए होपफुली कपड़े सूख जाएं क्योंकि इसको वापस भी ले जाने हैं। तो ये हो रही है सुबह की तैयारी क्योंकि कल आर्यन को जल्दी जाना है, तो मटर छील रही हूँ मैं, तो सुबह की तैयारी करते हैं। तो घर पहुँच के मुझे याद, मैं पिछले कल वाला व्लॉग एडिट कर रही थी तो मुझे पता चला कि मैंने एंड ही नहीं किया था। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, अन्योंग। 15 ऐसे करके, कौन सी एक्सरसाइज है, ऐसे ऐसे 1-1 किलो के डंबल के साथ, ऐसे लगती आसान है वैसे कि 1-1 किलो के डंबल है, बट जब वो करते हैं ना 15 ऐसे में, 15 फिर बैकवर्ड में, 15 ऐसे ऐसे करके उन 1-1 किलो के डंबल के साथ ही सूख जाने चाहिए।